हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका, दूसरी तिमाही में जीडीपी हुई धड़ाम। देश के विकास दर में दूसरी तिमाही में बड़ी गिरावट हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी पिछली तिमाही के मुकाबले गिरकर 7.1% रह गई है। पहली तिमाही में देश की जीडीपी 8.2% रिकॉर्ड की गई थी। इस लिहाज से मात्र 3 महीने में जीडीपी में 1.1% की गिरावट दर्ज की गई है। विकास दर में गिरावट का मुख्य कारण डॉलर के खिलाफ रुपए के मूल्य में आई गिरावट और ग्रामीण मांग में कमी आना है। हालांकि वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में गिरावट के बावजूद जीडीपी की वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में अधिक रही है। वित्त वर्ष 2017-18 के दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 6.3% रही थी, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 7.1 है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 कोर सेक्टरों में विकास दर धीमा होकर अक्टूबर में 4.8% रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये विकास दर 5% थी। ये 8 कोर सेक्टर है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार सेक्टर में विकास की रफ्तार घटी है। इस साल की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में विकास दर 3.8% रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये डाटा 2.6% था। वहीं औद्योगिक विकास की दर 6.8% दर्ज की गई। पिछले साल दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 6.1% था। निर्माण के क्षेत्र में विकास की दर 7.8% दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 3.1% था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास की दर 7.8% रही है, पिछले साल यह आंकड़ा 7.1% था। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने शुक्रवार को कहा कि जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर का आंकड़ा निराशाजनक लगता है, लेकिन चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही का आंकड़ा काफ़ी बेहतर है। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जुलाई सितंबर तिमाही में 7.1% रही, जो 3 तिमाहियों में सबसे कम है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून यानी पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 8.2% रही। इससे पिछली जनवरी मार्च तिमाही में यह 7.7% रही थी। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर में यह 7% थी। गर्ग ने ट्विटर पर लिखा है कि वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.1% निराशाजनक लगती है। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 7.4% और कृषि वृद्धि दर 3.8% रही, जो ठीक ठाक रही। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि 6.8% और खनन क्षेत्र में 2.4% की गिरावट मानसून के महीनों की कमी दिखाता है। उन्होंने लिखा है कि अप्रैल सितंबर की 6 माह की अवधि में वृद्धि दर 7.6% रही, जो काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा कि इन सब के बाद भी दुनिया में यह सबसे ऊंची वृद्धि दर है। दूसरी तिमाही में 7.1% की वृद्धि दर चीन से अधिक है। चीन में इस दौरान वृद्धि दर 6.5% रही। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।